आज से 45 साल कबल जुल्फकार अली भुट्टो कहा करते थे कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। अमेरिका ने 1979 के अंदर एक अजीब गेम खेली, जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। आज भी पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो के जो मामलात थे उसके ब्रंट्स आज फेस कर रहा है। आज भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गुलामी पर गामजन है। जो अमेरिका कहता है पाकिस्तान वाले वही करते हैं और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के कहने पर पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहलका मचाया गया और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया और इंपॉर्टेंट हुकूमत जो है वो पूरी अवाम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। अब इमरान खान साहब का नंबर है, इमरान खान के ऊपर भी गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। खैर, इन डेवलपमेंट को मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट आसान अल्फाज में मिले तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा सकते हैं ताकि लेटेस्ट न्यूज इस तरह की आपको बर वक्त मिलती रहे। समय ने कदर बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान को एक मसाली मुल्क बनाना चाहते थे। चीन के साथ पाकिस्तान ने मसाली रवाबत कायम किए। इमरान खान वाहिद शख्स थे जिन्होंने अमेरिका को छोड़कर रशिया के पास चले गए और रशिया से बिल्कुल कम कीमत के ऊपर गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीजें परचेज करने वाले थे। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका को इतना गुस्सा आया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर गद्दारों को मुतहरक किया और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दिन दिहाड़े उनकी सीट से डिसीट कर दिया गया। इमरान खान तो घर चले गए लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। अमेरिका एक ही काम चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे और इसी तरह के इंपोर्टेड लोग पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुक्मरानी करते रहे, कभी भी फॉरेन पॉलिसी आजाद न बना पाए। इमरान खान क्या चाहता था कि आजाद फॉरेन पॉलिसी हो, ठीक वैसे ही जिस तरह भुट्टो ने स्पीच की थी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जब उसने वक्त फाड़ दिए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आज पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हो रहा है, आज वही तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। भुट्टो के ऊपर उस वक्त अमेरिका ने पीछे से गेम खेली और गद्दारी के मुकदमात पाकिस्तान ने बनाए और गद्दारी के मुकदमात बनाने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने थे। आज अमेरिका के कहने पर दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर को गद्दारी के मुकदमात में जो है वो नामजद किया जाएगा। हालांकि मॉडल टाउन का सानिया आपके सामने है, इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और अमेरिका उन्हीं लोगों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है जो कि पाकिस्तान के मुजरम है, जो कि इस कौम के मुजरम है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आजकल बेइज्जत हो रहे हैं। अगर हम बात करें राणा सनाउल्ला की तो राणा सनाउल्ला के ऊपर मंशियात फरोशी के अलावा कत्ल के मुकदमात भी हैं और ये कहीं और नहीं, फैसलाबाद के अंदर ही कत्ल के मुकदमात हैं। खैर, अगर हम बात करें इमरान खान की तो इमरान खान ने यह कहा है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, उस वीडियो के अंदर यह कहा गया है कि मेरे मरने के बाद या मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे कत्ल में कौन कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं उनके नाम उन्होंने बता दिए हैं। आज इमरान खान एक और जलसे से खिताब करेंगे, ये जलसा अपरदीर के अंदर होगा और मुमकिन तौर पर इमरान खान अपना आइंदा का प्लान बताएंगे कि हमने किस और जाना है। अगर हम बात करें अवाम की तो अवाम भरपूर इमरान खान का साथ दे रही है। जैसे जैसे इमरान खान कॉल कर रहे हैं वैसे वैसे लोग जोक दर जोक जो है इमरान खान की सपोर्ट के अंदर निकल रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि इमरान खान को मुख्तलिफ ममालक से जो है थ्रेट की कॉल भी आई है, भारत, इसराइल और अमेरिका इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। कल भी इमरान खान ने यह कहा था शांगला के अंदर कि मेरे जो डी सीट होने से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो भारत को हुआ है, भारत मेरे जाने का फायदा अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। भारत बलोचों को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, आवाम के खिलाफ, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और इसी तरह अमेरिका और इजराइल भी अपने अपने मफादात पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं।